TIR करा दिया था मैंने, TIR के आगे मैंने ये भी करवा दिया था कि हाँ इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है लेंसेज से, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये साइन कन्वेंशन तक हो गया था ना। आज आगे बढ़ते हैं तो लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला की डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, बंद कर ले। करें शुरू, पॉज देना है, 10 सेकंड। हाँ तो भाई आज बेसिकली जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहां से आगे शुरू करेंगे, और आज एक डेरिवेशन देखते हैं लेंस फॉर्मूला। हम देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। सबसे पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं कि भाई लेंस फॉर्मूला होता क्या है। लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंस फॉर्मूला जो होता है बेसिकली वो क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम लोगों का लेंस फॉर्मूला है। इसकी हम लोग डेरिवेशन करके देखेंगे, आइए डिराइव करते हैं। तरीका भी सीख लीजिएगा कि डिराइव कैसे किया जाता है बेसिकली। ये एक कॉन्वेक्स लेंस मान लिया हमने, और ये डेरिवेशन जो अभी फिलहाल में मैं कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहा हूं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि वर्चुअल इमेज भी बनाता है, तरीका याद रख लोगे तो बेसिकली तुम ये कर सकते हो। मैं बता दूंगा कौन कौन से ट्राइंगल से होगा। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमने क्या काम किया, इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट ले ली ए बी, एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो स्ट्रेट पास होगी ऐसे, और दूसरी रे ऑफ लाइट, एरो जरूर बनाएं, दूसरी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्रेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी रिफ्रेक्शन के बाद। तो रिफ्रेक्शन के बाद इसको फोकस से पास कराएं तो बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, एफ। तो जो इमेज हमारी तैयार होगी एक तरीके से देखा जाए तो, मैं रफ डायग्राम ही बना रहा हूं, ये इमेज हम लोगों की हो जाएगी ए डैश बी डैश। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का इसको बोल दूं सी, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी। बोलो सही है। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, इसकी जो डेरिवेशन होती है बेसिकली लेंस फॉर्मूला की, वो डेरिवेशन होती है ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी से। अब डायग्राम चाहे कुछ भी बने, ट्राइंगल हमेशा वही सिमिलर होंगे, तो तुमको ये याद रखने की जरूरत है कि हम कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। ध्यान लगा के देखो, सबसे पहला ट्राइंगल जो तुम लोगों को सिमिलर करना है, ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ, इमेज का सेंटर के साथ। हम यहां ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करना है, ऑब्जेक्ट सेंटर के साथ, इमेज सेंटर वाला जो ट्राइंगल है ये आपने सिमिलर कर देना है। कौन सा, ऑब्जेक्ट सेंटर के साथ वाला और इमेज सेंटर वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर वाला ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है भाई ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। ये बात हमको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि एक एक एंगल तो परपेंडिकुलर है दोनों में, और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो एक एक एंगल तो परपेंडिकुलर है जबकि जो दूसरा एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट है। बोलो क्लियर है। तो ध्यान लगा के देखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वह भी क्या होगा, सिमिलर। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में
ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन में बी डैश सी, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन में बी डैश सी। बोलो क्लियर है? इसको हम मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर वन। अब ध्यान से समझो, दूसरा जो ट्राइंगल हमको सिमिलर करना है, सेंटर फोकस यानी कि ट्राइंगल डीसीएफ विद इमेज फोकस, यहां पे लिख देते हैं सेंटर फोकस को सिमिलर कर दो किसके साथ, इमेज फोकस के साथ। सेंटर फोकस को सिमिलर कर दो किसके साथ, इमेज फोकस के साथ। अगर आप ऐसे कर देते हो तो ध्यान लगा के देखो, सेंटर फोकस को सिमिलर कर दिया किसके साथ, इमेज फोकस के साथ। तो कौन कौन सा ट्राइंगल वापस से सिमिलर हो जाएगा, ध्यान लगा के देखो, ट्राइंगल डीसीएफ, डीसीएफ कौन सा ट्राइंगल, डीसीएफ, ट्राइंगल डीसीएफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के। देखो ना, सेंटर फोकस विद इमेज फोकस, दो एंगल यहां भी 90-90 डिग्री के और एक एक एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो हो गए ना ट्राइंगल सिमिलर। हमको सिमिलैरिटी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हमको लिखना है कि ये सिमिलर होते हैं। हाँ ना, बोलो भाई, है ना। तो ट्राइंगल डी सी एफ सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान लगा के देखो, डी सी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर होगा सी एफ अपॉन में बी डैश एफ के। ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है, डी सी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर होगा सी एफ अपॉन में बी डैश एफ के। और फिगर से, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, ध्यान लगा के देखो, ये सी डी और ए बी की हाइट बराबर है, तो फिगर से हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो ये जो सी डी है, डी सी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो अगर इसकी जगह मैं ये रख दूं तो मैं कह सकता हूं ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। अब तुम ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर वन और टू का एलएचएस सेम आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू, एलएचएस सेम आ गया तो भाई आरएचएस भी सेम होगा, तो आरएचएस को सेम कर दें तो हम लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन में बी डैश सी बराबर में सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। ध्यान लगा के देखो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे डायग्राम से, देखो बी सी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन लगाएं तो ये क्या होगा, माइनस यू, डिवाइड बाय बी डैश सी क्या है, इमेज डिस्टेंस, फिर से साइन कन्वेंशन लगाओगे तो ये होगा प्लस का वी इज इक्वल टू सी एफ क्या है भाई, फोकल लेंथ, तो इसको ले लेते हैं प्लस का एफ, होगी प्लस की एफ। अच्छा, बी डैश एफ कोई दूरी नहीं होती लेंसेज में, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सारी की सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो बी डैश एफ वैसे तो अपने आप में कोई दूरी नहीं है, लेकिन हम बी डैश एफ को ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, सी बी डैश माइनस सी एफ। अरे भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये बच जाएगा ना, हाँ ना, बोलो। तो इसीलिए सी बी डैश में से सी एफ को माइनस कर दें, सी बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस वी, और सी एफ क्या है भाई, फोकल लेंथ। बोलो सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दें, यू वी एफ से। तो ध्यान लगा के देखो, वी एफ अपॉन में यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन में यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन में यू वी एफ। देखो, जो चीज कटती है उसको काट दो मेरे भाई, VF VF UV UV
यूएफ यूएफ, क्या बचा क्या बचा? ध्यान से देखो, 1 बाय यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एफ प्लस 1 बाय बी। इस एफ को इधर ले लो तो देखो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, एंड हेंस प्रूव्ड। ये डिराइव हो गया भाई हमारा लेंस फॉर्मूला। अब अगर ये वाली बात तुम लोगों ने याद रख ली तो डायग्राम चाहे जो भी हो तुम उसकी डेरिवेशन बहुत ही आराम से कर सकते हो। इसको उतार लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आए? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो दूरी है ये है इमेज डिस्टेंस, और डी से लेकर के सी तक की दूरी जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये बाहर का एक रेयरर मीडियम मान रहा हूं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और अंदर का जो मीडियम है वह एक डेंसर मीडियम में मान रहा हूं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। मुझे उम्मीद है ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे केसेस में ये पूछा जाता है लेकिन लगभग लगभग डेरिवेशन होने का तरीका हर केस में सेम है। सवाल ये है कि हम डिराइव क्या कर रहे हैं? हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं म्यू वन में, म्यू टू में, यू में, वी में और आर में। बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को कनेक्ट करना चाह रहा हूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ, तो वही डेरिवेशन करने की अपनी इच्छा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि डेरिवेशन शुरू कैसे करेंगे। आपने कुछ नहीं करना, ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे जब स्नेल्स लॉ आप लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि म्यू वन इंटू में साइन आई बराबर म्यू टू इंटू में साइन आर, और हम अगर इस साइन आर को नीचे ले लें तो हम कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन में म्यू वन। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं, व्हेन द एंगल्स आर टू स्मॉल, तो साइन आई को लिया जा सकता है आई और साइन आर को क्या लिया जा सकता है आर। अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें तो आई डिवाइड बाय आर बराबर हो जाता है म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो म्यू वन इंटू आई बराबर हो जाता है म्यू टू इंटू में आर। अब दिमाग लगा के देखो तो इस पॉइंट पर आ करके एक तरीके से हमारी डेरिवेशन फंस जाएगी। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब हम लोग I की और R की वैल्यू डायग्राम में से निकालने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए कैसे। डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द फिगर, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ध्यान से देखो ट्राइंगल AOC की, ट्राइंगल AOC की अगर बात करें तो मैं लिख सकता हूं I बराबर होगा अल्फा प्लस गामा। इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो I इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ट्राइंगल ACI की मैं बात करूं तो ट्राइंगल ACI में अगर यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा
तो देखो गामा बराबर लिखा जा सकता है आर प्लस बीटा। गामा बराबर क्या लिखा जा सकता है? आर प्लस, क्योंकि भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। यहां से अगर आर की वैल्यू निकालूं तो वैल्यू बनेगी भाई गामा माइनस बीटा। अब ये आई की और आर की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें, आई की और आर की इक्वेशन, तो देखो म्यू वन इंटू में आई की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू, और आर की जगह क्या आ जाएगा भाई गामा माइनस बीटा। हा ना बोलो, सही है ना भाई, म्यू वन इंटू में अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू में गामा माइनस बीटा। अब हमें क्या करना है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं और थोड़ा अब इसको साइड में खिसका देते हैं, डेरिवेशन पूरी भी तो करनी है भाई, है ना। अब हम क्या काम करते हैं, ध्यान से देखिए, म्यू वन की ये वैल्यू आ गई, म्यू टू की ये वैल्यू आ गई, अब हम डायग्राम में से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू, अल्फा बीटा और गामा। ये वैल्यू निकालने की मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं कि कैसे निकलेगी। जब तुम इसको सॉल्व करो ना, तो तुम बेसिकली टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू निकालो। वैसे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है थीटा बराबर आर अपॉन रेडियस, लेकिन ये ट्रिक है कि कैसे किसकी वैल्यू रखनी है, टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा की, ठीक है भाई। तो अब इसके बाद में यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां से वापस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आओ जरा इधर ध्यान लगा के देखो, म्यू वन इंटू में डायग्राम से देखो टेन अल्फा को कहा जा सकता है ए बी अपॉन में ओ बी, हा ना बोलो। तो ए बी अपॉन में ओ बी प्लस टेन गामा हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में बी सी, हा ना बोलो, ए बी अपॉन में बी सी बराबर म्यू टू। गामा को वापस से लिखा जा सकता है ए बी अपॉन में बी सी माइनस बीटा, टेन बीटा क्या लिखूंगा बोलो, ए बी अपॉन में बी आई, क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन में बी आई। ए बी से ए बी दोनों साइड क्या हो जाएगा भाई, कैंसल, तो क्या बचा वन अपॉन ओ बी प्लस वन अपॉन बी सी, वन अपॉन बी सी माइनस वन अपॉन बी आई। अब थोड़ा सा सपोजिशन, और सपोजिशन क्यों किया जा रहा है वो भी मैं बताता हूं तुम्हें। हम ये सपोज करेंगे कि सपोज द पॉइंट्स बी एंड डी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हम ये सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट्स बी और डी एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं। अगर ये पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं, तो तुम ध्यान लगा के देखो कि ये जो दूरी है OB, इसको लगभग लिया जा सकता है OD, ये जो दूरी है BC, इसको लगभग लिया जा सकता है DC, और ये जो दूरी है BI, इसको लगभग लिया जा सकता है डीआई। अच्छा एक बात को समझो, ये सपोजिशन लेने के पीछे भी एक कारण है मेरे भाई, कारण ये है साइन कन्वेंशन, कि सारी की सारी दूरी कहां से नापी जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब बीसी तो अपने आप में कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन डीसी तो है ना आर, तो हम ये जो छोटी सी डिस्टेंस बच रही है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आई ना बात समझ में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वन अपॉन ओडी प्लस वन अपॉन डी सी, वन अपॉन डी सी माइनस वन अपॉन डी आई, बोलो सही है। डायग्राम से इनकी वैल्यू पुट करते हैं, आइए देखिए, ओडी की वैल्यू है भाई माइनस यू साइन कन्वेंशन के साथ, डी सी की वैल्यू है आर आर, और डी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इज म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी, इसको इधर ले लो, माइनस म्यू वन अपॉन यू
प्लस म्यू टू अपॉन वी बराबर हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इसको याद रखना रिजल्ट को, ये अभी आगे काम आएगा। सो बेसिकली ये रिलेशन निकल गया किस किस के बीच में, म्यू वन म्यू टू यू वी और आर के बीच में। बोलो आया, इसको उतारो फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। लेंथी डेरिवेशन है ये, इसको बोलते हैं भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आइए, क्या बोलते हैं इसको, इससे पिछले वाली डेरिवेशन तीन नंबर की और ये डेरिवेशन दो नंबर की मिला के पांच नंबर का सवाल बन जाता है। लेकिन क्योंकि अभी तो पांच नंबर में केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग भी पूछी जा सकती है, कोई खास बात नहीं है, जमा में इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। आइए डायग्राम बनाया जाए। ये एक लेंस मान लिया, ये x है, ये y है, ये वाला पॉइंट मान लिया P1 और ये वाला पॉइंट मान लिया P2। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख ली O, एक रे ऑफ लाइट जो ऐसे जाएगी, पहले ये वाला सरफेस रिफ्रैक्शन करेगा xp1y और एक इमेज यहां पे तैयार करेगा, इस इमेज को कह देते हैं i1, फिर इस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के ये xp2y दोबारा रिफ्रैक्शन करेगा और एक फाइनल इमेज तैयार होगी आपकी इस पॉइंट आई पर। आपको जो इमेज दिखाई देगी वो ये आई दिखाई देगी, अगर मैं इस लेंस को इतना काट दूं तो आई वन दिखाई देगी, डबल रिफ्लेक्शन होती है क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इस वाली इमेज डिस्टेंस को मान लेते हैं वी वन और इसको मान लेते हैं वी। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ना कोई इधर की बात करनी ना कोई उधर की बात करनी। लिखेंगे कंसीडरिंग रिफ्रैक्शन एट एक्स पी वन वाई एंड using the formula for refraction at spherical surface we get। इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं और जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला था हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उस फॉर्मूले को मैं यहां कोने में लिख देता हूं जो हमने इससे पहले ड्राइव किया था, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो जरा कैसे लिखा जाए, यहां देखो माइनस म्यू वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू प्लस म्यू टू अपॉन, इस वाले सरफेस के लिए आई वन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगा वी वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन। अब हम रिफ्रैक्शन कहां कंसीडर करेंगे, एक्स पी टू वाई पे। बिल्कुल ये सेम लाइन लिखेंगे, कंसीडरिंग रिफ्रैक्शन एट एक्स पी टू वाई एंड यूजिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस वी गेट। मैं केवल यहां पे इतना सा लिख रहा हूं,
कंसीडरिंग रिफ्रैक्शन एट एक्स पी टू वाई, तुमको पूरा लिखना है। अब ध्यान से समझो, जब एक्स पी टू वाई पे रिफ्रैक्शन कंसीडर करोगे तो रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है। डेंसर से कौन से मीडियम में आ रही है? हाँ ना बोलो, डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है। लेकिन हमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया था ये तो रेयरर से डेंसर का था, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, बस म्यू वन की जगह म्यू टू और म्यू टू की जगह म्यू वन कर दो। देखो अप्लाई करना सीखो कैसे करेंगे, माइनस म्यू वन की जगह माइनस म्यू टू अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस वाले सरफेस के लिए आई वन ऑब्जेक्ट है तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी वन प्लस म्यू टू की जगह म्यू वन अपॉन में इमेज डिस्टेंस। इस वाले सरफेस के लिए इमेज आई है तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू म्यू टू की जगह म्यू वन की जगह म्यू टू डिवाइड बाय आर टू, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। अब हमको क्या करना चाहिए कि हमको इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऐड कर देना चाहिए, तो हम लिखेंगे माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू टू अपॉन वी वन प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। फर्दर उस तरफ सॉल्व करते हैं, इसको देखो, इसने इसको मार दिया, म्यू वन कॉमन ले लो, अंदर बचा वन बाय वी माइनस वन बाय यू। इन दोनों में से काम करो, म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये तो हो गया वन बाय एफ। इस म्यू वन को इधर ले लो तो म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू या वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। और मेरे भाई ये जो फॉर्मूला आया इसको हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ना केवल ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको उतार लें, ठीक है, जो भी ये हमने किया है, और फिर इससे अगला पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे, प्रिज्म वाला। बोलो क्लियर है? चलिए,